तो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड गूगल ड्राइव का स्टोरेज को यूज में ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। आज की वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है और आप अपने गूगल ड्राइव स्टोरेज का अनलिमिटेड यूज में ले सकते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए। यदि आपको भी इस ट्रिक के बारे में जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप के कम्प्लीटली देखना, और इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल ड्राइव को ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद में मैं सिंपली यहाँ पर लोगों के ऊपर क्लिक करता हूँ कॉर्नर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के अंदर ओनली 2 ही जीमेल अवेलेबल है। एक तो यहाँ पर पीनारू का 054 वाली, जिसके अंदर जो कि राजा के नाम से है ये वाली जीमेल, और एक है यहाँ पर प्रेम के नाम से जो कि है पीनारू का 106@gmail.com। ठीक है, और इसमें से हमारी जो मेल जीमेल है वो है हमारी ये राजा वाली। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, राजा वाली जीमेल को ओपन रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है वो क्या है इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। अब देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, इस ट्रिक को लगाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, न्यू एकदम फ्रेश। यदि आपको नहीं पता कि जीमेल आईडी कैसे क्रिएट की जाती है तो उसके ऊपर हमने वीडियो क्रिएट की हुई, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप अपनी न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लेने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए अभी ये जो हमारी जो राजा वाली जीमेल आईडी है वो मेरी मेन जीमेल आईडी। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी जो पर्सनल जीमेल आईडी है ना, आपको एक मेन जीमेल आईडी रखनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ये वाली जो जीमेल आईडी है ना, राजा वाली pnaruka054@gmail.com, ये मेरी मैंने मेल जीमेल आईडी बनाई हुई है। ठीक है, यानी कि मेरे को अगर कोई भी लिंक को यहाँ पर कॉपी करना है या फिर किसी भी फाइल को अपलोड करना है, शेयर करना है, कुछ भी करना है, मैं यहाँ से ऑपरेट करता हूँ सब इस वाली जीमेल से। तो आपको भी क्या करना है, एक मेन जीमेल रखनी है अपनी खुद की। ठीक है, मेन जीमेल रखने के बाद में आपको क्या करना है, अपना एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करनी है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। जैसे आप न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सेकंड जीमेल है, ये मैंने न्यू ही क्रिएट करी अभी अभी जस्ट। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस जीमेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इस वाली जीमेल का जो गूगल ड्राइव है उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस जीमेल की गूगल ड्राइव को ओपन कर लिया। ठीक है, और मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए 3 डॉट का जो ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टोटल 2.89 GB जो है उसको यूज में ले लिया। ठीक है, टोटल स्टोरेज मुझे मिला है 15 GB का, जिसमें से मैंने 2.89 GB जो है वो यूज में ले लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसी कौन सी फाइल है जिसने 2.89 GB यूज में ले रखी है। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए फाइल वाला जो ऑप्शन है मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एक वीडियो है। ठीक है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आपको इसका साइज दिखा देता हूँ। 3 डॉट के ऊपर मैंने क्लिक किया, नीचे गया, और यहाँ पर देखिए अपनी एक्टिविटीज और डिटेल्स के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.9 GB की यहाँ पर ये मेरी वीडियो फाइल है। ठीक है, आपको भी सिंपली क्या करना है, आप जो भी अपनी नई जीमेल आईडी बनाओगे, आपको जो भी फाइल अपलोड करनी है आपको उस नई जीमेल के ऊपर अपलोड करनी है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जीमेल के ऊपर आपको 15 GB का स्टोरेज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है गूगल की तरफ से, यानी कि आप चाहे 10 जीमेल आईडी भी क्रिएट करोगे ना तो हर एक जीमेल आईडी के ऊपर आपको 15 15 GB का स्टोरेज दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको नई जीमेल आईडी बनानी है, उसके अंदर जो 15 GB का स्टोरेज मिला है ना, आपको उसके अंदर सारी की सारी फाइल्स को अपलोड कर देनी है। ठीक है, अपनी पूरी की पूरी फाइल्स आपने अपलोड कर दी, उसका 15 GB जो स्टोरेज था वो पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं पता कि आप किस तरीके से बिना मोबाइल नंबर के अनलिमिटेड जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट की हुई, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप उस वीडियो को देख करके अनलिमिटेड जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विदाउट मोबाइल नंबर। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसी तरीके से आपको कई सारी नई नई जीमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है, और उसको क्या करना है, आपको जो मैंने मेन अकाउंट बताया था ना, वहां से उनका जो स्टोरेज है ना उसको लिंक करना है आपको अपने मेन वाली जीमेल आईडी से। वो कैसे होगा स्टोरेज लिंक, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस का, आपको क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा फोल्डर का। मैं सिंपली क्या करता हूँ, फोल्डर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए फोल्डर का आपको एक नाम देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी जीमेल के ऊपर ये फोल्डर बना रहे हो ना, आपको उस जीमेल का नाम एंटर कर देना है। जैसे कि मेरी ये वाली जो जीमेल है, नई मैंने बनाई है, वो है pnaruka106@gmail.com। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आप लिख दूंगा pnaruka106@gmail.com, जिसमें से मैं क्या करूंगा @gmail.com जो है उसको हटा दूंगा, ओनली @ से जो पहले वाला है उसी को यहाँ पर रख दूंगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए क्रिएट का एक ऑप्शन है, मैं सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा।
जैसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस वाले गूगल ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर इस फोल्डर को, यहाँ पर देखिए थ्री डॉट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली थ्री डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए आपको शेयर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली शेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। शेयर के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए ऐड पीपल और ग्रुप्स के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको अपनी मेल जी मेल आई डी को एंटर करना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपको एक मेन जी मेल आई डी रखनी पड़ेगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी उस मेन जी मेल आई डी को यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं उसको एंटर कर देता हूँ, PNARUKAPNARUKA0154@gmail.com, ये मेरी मेन जी मेल आई डी है। तो मैं सिंपली इसको एंटर कर दिया। एंटर कर देने के बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ही एडिटर के ऊपर ही सिलेक्ट रहना चाहिए। मैं इसके ऊपर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तो व्यूअर, एक कमेंटर और एक एडिटर। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको एडिटर के ऊपर ही रखना है। तो मैं इसको एडिटर के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एडिटर के ऊपर सिलेक्ट कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको एक एरो का निशान मिलेगा सेंड का, आपको क्या करना है इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो स्टोरेज है ना 15 GB का इस वाली जी मेल का, वो आपकी जो मेन जी मेल है उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं PNARUKA106 के नाम से जो फोल्डर है, अब ये फोल्डर जो हमारी मेन जो जीमेल आईडी है ना वहां पर ट्रांसफर हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ अपने इस लोगो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारी जो जीमेल आईडी थी मेन वाली, मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली इसको ओपन कर लिया। इसको ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको एक शेयर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली शेयर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप शेयर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो फोल्डर शेयर किया था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सक्सेसफुली यहाँ पर ये फोल्डर हमारे पास में आ चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास में अगर कोई बड़ी से बड़ी वीडियो है, कोई एप्लीकेशन है, कोई मूवी है, या फिर आपकी कोई वेब सीरीज है, किसी को भी आपको अगर गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो नई जीमेल आईडी क्रिएट करी थी ना उससे आपको अपलोड करना है। ठीक है, और वो कहाँ पर करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी जो सेकंड वाली जो न्यू फ्रेश जीमेल आईडी उसके ऊपर मैं जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद में मैं क्या करूंगा, फाइल्स के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर देखिए PNARUKA064 वाले एक ऑप्शन है, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए प्लस का एक आइकन है, मैं सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए जो अपलोड का ऑप्शन है, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके मेरी वीडियो फोटो जो भी उसको अपलोड कर सकता हूँ। और अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट या फिर टेलीग्राम बोट को यूज में ले रहे हैं फाइल्स को अपलोड करने के लिए, तो आप उनको भी यूज में ले सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो वीडियो है वो माय ड्राइव के अंदर, अभी मेरे ड्राइव के अंदर ये वाली जो वीडियो है ना वो मैंने अपनी फोन की गैलरी में से अपलोड नहीं करी, ये मैंने टेलीग्राम के बोट से यहाँ पर अपलोड करी है मेरी गूगल ड्राइव के अंदर। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है वो वीडियो मेरे इस वाले फोल्डर के अंदर चले जाए, तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखूंगा। और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर फाइल सेंड करने का। ठीक है, या तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आपको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए थ्री डॉट का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली थ्री डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पर देखिए मूव का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली मूव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। मूव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में आपको सिंपली अपने जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मूव का एक ऑप्शन आ चुका है, मैं सिंपली मूव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और वापस से मूव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो हमारी वीडियो है ना बड़ी वाली, ये वीडियो जाकर के इस वाले फोल्डर के अंदर जा चुकी है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे वीडियो जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर अपने वीडियोस को फोटोज को अपलोड करता रहूंगा और अपलोड करते हुए इस वाले फोल्डर के अंदर मैं डालता रहूंगा। डालते डालते क्या होगा कि मेरा यहाँ पर जो स्टोरेज है ना 15 GB का, जैसे ये स्टोरेज मेरा फुल हो जाएगा, मैं क्या करूंगा अपनी ये वाली जो जीमेल आईडी है ना वो इस फोन में से मैं उठा दूंगा। फोन में से उठाना, अगर आपको नहीं आता है जीमेल आईडी को कैसे फोन में से उठाई जाती है, तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो क्रिएट की हुई जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही अपनी जीमेल आईडी को मेरे फोन में से हटाऊंगा, मैं एक और न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करूंगा। ठीक है, न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर देने के बाद में वहां पर मुझे फिर से 15 GB मिल जाएगा। मैं वहां पर फिर से इसी तरीके से एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, उस फोल्डर को शेयर करूंगा मेरी मेन वाली जीमेल आईडी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाली जो मेरी है ना राजा वाली जीमेल आईडी PNARUKA054@gmail.com, यहाँ पर मैं इस फोल्डर को फिर से शेयर करूंगा और कोई भी फाइल है, कोई भी फोटो है, कोई भी वीडियो मैं डायरेक्टली इसी फोल्डर के अंदर अपलोड करता रहूंगा। बस फ्रेंड्स ध्यान रखना कि आपको कोई भी वीडियो, फोटो या फिर किसी भी तरीके की फाइल को अपनी मेन वाली जीमेल आईडी से अपलोड नहीं करना है। मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये वाला जो फोल्डर था PNARUKA106 वाला, ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर मैं इसी की जीमेल आईडी से ही वीडियो या फिर फोटो या फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। अगर मैं मेरी ये जो मेल मेन वाली जीमेल आईडी है ना इससे मेरी वीडियो या फिर फोटो या फिर फाइल को अपलोड करूंगा ना, तो यहाँ पर देखिए थ्री डॉट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो स्टोरेज है ना, ये स्टोरेज है ना, ये वाला फुल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये ट्रिक पसंद नहीं आई तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
इस चैनल के ऊपर मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। गूगल ड्राइव के ऊपर अनलिमिटेड स्टोरेज लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज ले सकते हैं गूगल ड्राइव के अंदर। इसके बहुत सारे तरीके जिनमें से मैंने आज आपको एक तरीका बताया, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी तरीके बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप गूगल ड्राइव के अनलिमिटेड स्टोरेज का फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।